छतरपुर सिविल लाइन पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बुलेरो से भरी मात्रा के रुपयों से भरा बैग मिला। वहीं सिविल लाइन टीआई कमलेश साहू ने कहा कि कल पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के निर्देश में समस्त जिले के सभी थाना में चेकिंग लगाई गई थी। उस दौरान बुलेरो को रोका गया और चेकिंग करते समय पैसों से भरा बैग मिला। बैग में 13,72,000 रुपए निकले। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि राम राजा कंस्ट्रक्शन के रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर के आदेशानुसार 8:30 बजे रात से समस्त जिले में चेकिंग लगाई गई थी। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा भी चेकिंग लगाई गई थी और जो चेकिंग थी हमारी थाना सिविल लाइन के ठीक सामने जो मुख्य मार्ग है आओजी रेस्टोरेंट के सामने वहां पे लगी थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बोलेरो UP 93 AL 5609 वहां से गुजरी तो उसको हमारी टीम और हम लोगों ने रोका। उसे रोकने पर जब उसकी तलाशी की गई तो उसके थैले से उसके बैग से 13,72,000 रुपए बरामद हुए हैं। और जैसा कि विधानसभा 2023 की आचार संहिता घोषणा होने वाली है और सिविल लाइन पुलिस चुनावी मोड में है, उसी तारतम्य में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये चेकिंग चल रही थी तो इनके पास से ये